आज बहुत खास दिन है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये संजीवनी कैंपेन, इस संजीवनी कैंपेन का एंथम लॉन्च आज है। ये संजीवनी कैंपेन है क्या? नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक साथ में, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड यूनाइटेड वे मुंबई, हम सबकी एक मुहिम है साथ में कि देश में वैक्सीन अवेयरनेस को बढ़ाएं, लोगों में ये जागरूकता जगाएं कि आपको जाकर ये टीका लगाना है। हैशटैग टीका लगाया क्या? आज एक गाना है, एक एंथम है जो हम आपको सुनाने वाले हैं पूरा, जिसको आप सुनेंगे तो फिर आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाएगा टीका लगा, टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खास शख्सियत है जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। हमारे देश में जब पोलियो कैंपेन हुआ था, ही वॉज द मैन बिहाइंड इट, ड्राइविंग द पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। ही इज ऑल्सो द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टूडे, हु हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस फाइट, इंडियाज रेजिस्टेंस एंड फाइट बैक अगेंस्ट दिस वायरस एंड ऑल्सो ऑन द वैक्सीनेशन ड्राइव। ही इज जॉइनिंग अस नाउ विद अ वेरी वेरी स्पेशल मैसेज On the Sanjeevani campaign, this is Dr. Harshvardhan. मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष का विषय है कि न्यूज 18 नेटवर्क वैक्सीन लेने के लिए देशवासियों को बड़े पैमाने पर प्रेरित करने हेतु संजीवनी अभियान चला रहा है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में न्यूज 18 नेटवर्क का संजीवनी अभियान एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से भारत अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक देकर कोविड संक्रमण के संभावित फैलाव पर रोक लगाने में कामयाब होगा। मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस जन जागरूकता अभियान की हृदय से सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी इस अभियान से लाभान्वित होंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने के इस उपाय को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन, आपका बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही प्रेरणा भरा मैसेज है और हमें और ज्यादा प्रेरित करता रहेगा। बट आई हैव टू टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत साफ दिल से सीधी बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये मुहिम हमारी है, ये सपना हमारा है न्यूज 18 नेटवर्क का, हमने देखा था इसको। बट दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड नॉट सम पीपल स्टेप्ड अप इमीडिएटली, हैड नॉट सम पीपल रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड कम अहेड टू पार्टनर विद अस। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहना चाहूंगा हमारे पार्टनर्स हैं फेडरल बैंक, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे कैंपेन एम्बेसडर हैं सोनू सूद, और इस एंथम को कंपोज करने वाले महान गीतकार, संगीतकार, गायक और एक जीनियस मैं उन्हें मानता हूं, शंकर महादेवन जी। एक एक करके उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे कैंपेन एम्बेसडर सोनू सूद आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू जी नमस्ते। जो काम आप पिछले 1-1.5 साल से करते आ रहे हैं उससे आगे करते रहे हैं, फिल्मों में पर्दे पर आप चाहे जो भी किरदार निभाएं, हीरो लेकिन आप जरूर हैं, रियल लाइफ हीरो हैं, और इस कैंपेन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नेटवर्क 18 के माध्यम से, फेडरल बैंक के माध्यम से यू नो हम लोग लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और जब मुझे पता चला कि इसके ऊपर एक एंथम बन रहा है जो शंकर महादेवन जी बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि सोने पे सुहागा वाला काम है कि यू नो और मैसेज और तेजी से लोगों तक पहुंचेगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी देर में और बात करते हैं, एक एक करके मैं बाकी आज जो हमारे खास मेहमान हैं उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम श्रीनिवासन, एमडी फेडरल बैंक, एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, एंड इट्स सच अ प्लेजर टू हैव हिम विद अस एंड जॉइन अस लाइव डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल। इट्स अ मैनिक मंडे but I know you've taken time, Shyam ji, thank you very very much. We also have Ajit KK, who's the executive vice president and the chief human resources officer, joining us from Federal Bank. So Ajit, welcome. But Shyam ji, this campaign, the anthem, the gaadi, the awareness, and of course the message that we are taking forward, thank you so much. And I know that you really did not take much time to partner with us, and you've been a very very strong support. I heartfully, you know, with from the bottom of my heart, I thank you for all the work and all the support that Federal Bank and Team Federal Bank has extended. Your thoughts, Shyam ji? Yeah, no, this is exciting, and you know, all these ideas when it comes into action is when it means much. So when yesterday I sort of had a chance to sneak preview of what the anthem and how Shankar Mahadevan and his troupe have put together is just really giving expression to the great idea that you guys came up with. And as a partner to this very, very exciting program, which is truly
enabling people to get their first aware and second get their shot, it can change lives. And purely from an economic standpoint of view, this can transform the country's sort of development. So I wholeheartedly support this. We are excited. We are committed as a bank. And I think what is going to happen as more and more people get aware of this and more people get to get their shot, it will truly be a shot of life. So in any which way, thank you for approaching us and thank you for co-opting us as a partner in this. And I have to say, Sonu, what a great ambassador, and Mr. Shankar Mahadevan and his troop, just exceptional, right? We know what magic his words can create, and the song really is something that nobody will ignore. Quick comment before I bring in Shankar ji and Dr. Anupam Simbal. Yeah. Yeah, as Shyam said, it was a great experience partnering with Network 18. And when we were planning to ensure that our employees as well as their family members are getting vaccinated, we should be doing our bit, our part for the society at large. And it's in that background, we as a responsible corporate citizen, we want to ensure that we are also playing our part. And we tied up with Network 18. Amazing partnership so far. And great to see the great things like Sonu Zoo, then Shankar ji associated with this. We are extremely happy and delighted to be part of this. Thanks. Well, absolutely. Thank you. Thank you for keeping it short. I'm going to go quickly. जल्दी से बुला लेते हैं. इनसे मेरी बातचीत भी हुई है. मेरे शो में भी आए हैं. हमने बहुत सारे विषयों पर बात किया है. As a health partner, Dr. Anupam Simbal, Group Medical Director, Apollo Hospitals is also with us. Anupam ji, namaste. We will talk at length with you in just a bit. What I'm going to do is, without much further ado, with your kind permission, I'm going to also bring in the composers of this anthem, and then we can take this discussion holistically together with everyone. This is the father and son's duo. और ये जितना जादू कर रहे हैं, एक एस ने तो चार चांद लगा दिए थे, अब ये दो एस और जुड़ गए हैं, and they're further embellishing and shining in the music world. Shankar Mahadevan, Siddharth Mahadevan, and Shivam Mahadevan. Big, big namaste and lots of love to all of you. Thank you very, very much. It's just phenomenal. And Kabar is also the lyricist of this entire anthem, Sanjeevani anthem. So I'm just going to introduce him also. Tanishq is the one who spoke the words. But the inspiration is Shankar ji. Shankar ji, wo ek hook line jo aapne us din mujhe bola. The fact is, I have to thank you that when we reached out to you, we just like Sonu said, chalo anand karte hain. And I just have to say thank you for that. You know, I really, really feel privileged that, you know, I've got the opportunity to do this. You know, anybody who would have got an opportunity to do this would have felt privileged, because, you know, music is such a powerful medium. You know, you can create, you can inspire, you know, you can just really make people laugh, dance, cry through music, you know. And that's what I really like to thank Federal Bank also and Network 18, the entire initiative of Sanjeevani, for putting this together, because it's an amazing, amazing initiative. And music, my song is just a small part of this humongous initiative. Shyamji, you met Sonu at Atari, you've heard and you've interacted with Shankar ji. You know, what stands out for you? Because we said, let's go out and get into action mode. So you've heard the anthem also. So what is your favorite part before we play out the anthem? Let me ask. No, the favorite part is the finish, right? Lagaya kya? The way Shankar says it, it has a subtle irreverence and forces people say, oh shucks, how could I miss it? Right? I think that's the clincher. Sonu ji, jab hum log Atari pe the, tab aapko laga ki yaar kuch hook missing hai, jab aap logon ke beech ja rahe the, ki jahan par ye message aur strongly ja sake. Aur jab aap आपको कैसा लगा इसको जब शूट किया, वो भी काफी लॉकडाउन के टाइम में शूट किया गया, तो अभी एंथम हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आई वांट टू अंडरस्टैंड. मेरे मानना है कि अगर वैक्सीनेशन तो चलो हो ही जानी थी, धीरे थोड़ा वक्त लगता, लेकिन इस ड्राइव के कारण, इस मैसेज के कारण जो इसकी होगी, जो कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, जो इस मांग है, जो जरूरत है हमारे देश की, आई थिंक वो आपके जरिए जरूर होगी. It's indeed a privilege for us to be a part of this amazing initiative that Network 18 created. Thank you so much, Anand, and your team, and of course Sonuji, what can I say? I think your contribution has just been so amazing across so many different fields. This is just one aspect, and of course Shankar ji, you and your team, you have the ability to weave magic, and to have Federal Bank as a partner, I think has really strengthened this campaign. I think an anthem
helps strike a chord with people. It unites, it motivates, it energizes, and it creates excitement. And we are hoping that this excitement will be palpable wherever across the country we're going to interact with people. This anthem will motivate them to go ahead and get vaccinated. जी और जब भी मैं ये लिरिक्स सोचता हूँ जो हमने टीजर चलाया था 20-25 मिनट का जो टीजर था 20-25 सेकंड का जो टीजर है पूरा गाना नहीं है पूरा गाना आप सुनेंगे तो फिर आप और भी उस पर हुक जाएंगे बट पता है पनिश व्हाट हैपेंड सर का कॉम्पोजिशन तो इतना मैजिकल है लेकिन जो लिरिक्स जो है दोज लिरिक्स आर वेरी नाइस अब ये मुझे आप बताइए कि ये सब आपने लिखा कि इसमें भी शंकर जी का जीनियस मौजूद है आपको एक मजेदार वाक्य बताता हूँ मैं यू नो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ यू नो इन हिंदी फिल्म्स कॉल्ड कजरारे तो कजरारे जो हुक था वो ओरिजिनली शंकर सर ने ही ऐसे ही स्क्रैच में गाया था एंड गुलजार साहब ने कहा कि ये चलेगा और वो चल गया तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है कि टीका लगा टीका 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 लगा ये जो बेसिक हुक है ये शंकर जी की ही है I will not take the credit for that. वो बिल्कुल उनके ही दिमाग से आया हुआ एक लाइन है जो इतना स्टिकी है इतना एंटरटेनिंग है उसमें एक रिदम है उसमें एक म्यूजिकलिटी है एंड यू नो दैट हुक हैज कम्प्लीटली यू नो टेकिंग द सॉन्ग टू अ लेवल दैट यू नो यू विल रिक्वायर लिटरली 3-4 सेकंड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द सॉन्ग सो आई थिंक दैट्स हिज जीनियस कम्प्लीटली बाकी गाना तो मैंने लिख लिया बाद में मैं बताता हूँ अब इसकी शंकर जी ये जो टीका लगा आपका खूब घुमा कैसे और थोड़ा सा वो जरा सुना देंगे इनिशियली एक 5 सेकंड के लिए थॉट आया कि एक स्लो सा एक इंस्पिरेशनल इमोशनल गाना बनाना चाहिए बट देन जब आप लोगों ने मुझे बताया कि ये इसका पर्पस क्या है और ये कहां बजा जाएगा इट्स दिस इज गोइंग टू बी प्लेड इन वैन्स व्हिच आर गोइंग इन रूरल इंडिया एंड इट्स गोइंग टू बी प्लेड एंड यू नो पॉसिबली यू मे जस्ट हियर अ लिटिल स्निपेट एज यू आर वॉकिंग बाय यू नो तो ऐसा एक 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 यू नो सेट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो आप 3-5 सेकंड सुने तो भी आप समझ जाएगा अरे यार ये तो टीका वाला एंथम है तो एंड ये जो टीका लगा इज अ वेरी म्यूजिकल वर्ड सो यू नो वी जस्ट सेड टीका लगा ओके सो बिफोर सोनू गोस विद योर परमिशन हम लोग हियर दिस इज शिवम दिस इज सिद्धार्थ देव सांगिट विद सोनू जी दिस इज फॉर यू वी विल डेडिकेट इट टू यू एंड क्या बात है सो चलो टीका लगा ओ जरा टीका लगा जब अपनी ही बारी आए टीका लगा ओ जरा टीका लगा टीका 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 लेकिन टीका लगा और फिर लगाया क्या उसमें जो एटीट्यूड निकल के आता है कि नहीं लगाया तो देखना आनंद मैं उसमें छोटी सी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जितने शंकर सर तो बहुत एक्सपीरियंस है हम लोगों से ज्यादा पर मैं वही बोलता हूँ कि जितने जब भी कोई एक्टर एक्ट करते हैं या कोई मैसेज देना शुरू करते हैं या सॉन्ग करते हैं उसमें जो लिरिक्स और सॉन्ग होते हैं ना वो हमेशा एक्टर से या हीरो से बड़े होते हैं लोग बोलते हैं यार देखो क्या बड़ा स्टार है क्या लग रहा है गाना गाने में वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा जो पीछे बज रहा है वो कमाल का लगता है सो ऑल क्रेडिट गोज टू शंकर सर और उनके दो रॉक स्टार्स जो मैं जिनको देख रहा हूँ जब वो इतनी कमाल की धुन बनाते हैं सर इतना कमाल का गाते हैं तो हम तो ठीक ठाक भी करेंगे तो अच्छा ही लगेगा पर ऑल थैंक्स टू यू एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू फॉर मेकिंग सर हमारा जो 10% का गाना है वो आप आके उसको 1000% एम्पलीफाई कर देते हो जस्ट बाय योर प्रेजेंस एंड दैट्स ट्रू हियर इट इज द संजीवनी एंथम एंड वी आर प्लेइंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फुल फॉर आवर व्यूअर्स वी प्ले इट आउट अगेन इन जस्ट अ बिट बट फर्स्ट इसको सुनिए जरूर टीका लगाया क्या आपने टीका लगाया क्या टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा जब अपनी बारी आए टीका लगा लगाया क्या चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे एक टीके से बन जाए बात समझ ले परिवार साथ मित्रों को शामिल करके
जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? कर अपना भला अपनों का भी होने दे, जब टीका हो भारत के हर कोने में, सब ठीक ठाक हो जाएगा जल्दी से, लग जाएंगे टीका करनों के दम पे, इतना करोगे तब ही कहोगे आजादी होगा जहां, टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले लगवा ले, चुमन तेरा सहले सहले, ठोस कदमों से मंजिलें मिलती, जैसे ऋतुओं से जूझ के कली है खिलती, ठान लो अब से लो जिम्मेदारी, टीका लगवाने जाना है हमें इस बारी, फायदा ही फायदा हो समझो ये कायदा हो, बस छोटी मांग है नहीं कोई ज्यादा, ओ करो वादा आज पालो रिवाज, संजीवनी आई यहाँ, टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, लगाया क्या?